नमस्ते टू ऑल माई फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। खुलुमखा चिबाई, मैं आपसे सबसे पहले आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं कल फेसबुक लाइव में नहीं आया। कल आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में थे और सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही थे। उसके बाद हमारे जो तीप्रा स्टूडेंट्स और जो एम्प्लॉयज है दिल्ली में, उनके संग बात किया, मीडिया के संग बात किया, लॉयर के संग बात किया, तो उसके बाद काफी थक चुका था। इसके लिए मुझे लगा कि कल रात मैं फेसबुक लाइव नहीं करके आ जाऊं और आप सबको अपडेट दूं कि हमारा क्या सिचुएशन है आज। सबसे पहले बहुत अच्छा खबर है, वेरी गुड न्यूज, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि आप त्रिपुरा, आसाम, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग रखिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कानून को लागू करने के लिए आप कानून बना रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा का प्रॉब्लम इंडिया के दूसरे प्रॉब्लम से अलग है, आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये सेग्रीगेशन किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक टाइम दिया है सबको राइटिंग में देने के लिए कि हम अपना रिटर्न सबमिशन दें, और मोस्ट लाइकली ये 3 जज बेंच में भी आ सकता है। और मुझे क्या अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस खुद उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया है कि त्रिपुरा, आसाम अलग और पूरा इंडिया अलग, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को अलग रखिए आप, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम अलग है, नॉर्थ ईस्ट का चैलेंजेस अलग है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिजिनस लोग बहुत रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट में जमीन का हमें हमेशा खतरा रहता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई बांग्लादेश का व्यक्ति कहीं और जा रहा है, लेकिन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा में वो लोग आते जाते रहते हैं। इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि आप इसको पूरे इंडिया के संग क्लब नहीं कर सकते हो। दिस इज अ वेलकम डिसीजन। 31 अक्टूबर में इसका फिर से हियरिंग होगा। जहां तक चीफ जस्टिस ने ऑरली बताया है, मोस्ट लाइकली 3 जज बेंच होगा। ये हमारा पॉइंट था सबसे पहले, इट इज अ गुड विक्ट्री। दूसरा पॉइंट है, मुझे बहुत क्वेरीज आ रहे हैं रिगार्डिंग 10,323। मैंने हमारे कपिल सिब्बल जी, जो बहुत एमिनेंट लॉयर हैं, उनसे बात किया है और उन्होंने ये केस को अपने संग लेने के लिए उन्होंने हाँ भी कह दिया है। अब हम इसका एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर, दैट मीन्स आज है 13 तारीख, तो 23-24 तक हम इसको फाइल करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हमारा पूरा आशा है कि ये मामला एडमिट होगा। और देखिए, 10,323 टीचर्स में जो लोगों को नौकरी गया है, हमें सबको चांस देना चाहिए कि उनका भी जिंदगी वापस अपने पुराने लाइन में आ जाए। तो मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं 10,323 को आप इसको पॉलिटिक्स में मत लाइए, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। बहुत लोग ने मुझे फोन करके कहा है कि महाराज आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मैंने आपको एक कमिटमेंट दिया था और मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपका मामला कोर्ट में ले जाऊंगा और कोर्ट को तय करने दीजिए, पैसा का खर्च मैं करूंगा, ना पॉलिटिकल गेन चाहिए। मैं अपना, मुझे अपने दिल के अंदर कुछ शांति चाहिए कि मैंने कुछ वादा किया था, मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं। और मुझे आशा है कि अगर हम बड़े बड़े लॉयर्स को, अच्छे अच्छे लॉयर्स को अगर इसमें रखेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। त्रिपुरा में हमें नौकरी चाहिए, त्रिपुरा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, और उस समय अगर हम लोग लोगों को नौकरी से हटा देंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट त्रिपुरा का कैसे होगा? त्रिपुरा में अगर आप एम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयड बनाएंगे तो आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस त्रिपुरा में कैसे ला सकते हैं? तो 10,323 में, जहां में बहुत टीचर्स भी अपने गांव से हैं, रूरल एरिया से हैं, पहाड़ से हैं, उनका रिलीफ हमें उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर्स ही अनएम्प्लॉयड हैं
तो स्टूडेंट्स को कहाँ में शिक्षा मिलेगा। अगर गांव में स्टूडेंट्स ही अनएजुकेटेड है तो उसको नौकरी आने वाले दिन में कहाँ मिलेगा। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगा कि इस विषय में पॉलिटिक्स से हटकर ने ये मामला को आगे लिया तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट, मैंने बहुत सोचा है कि आने वाले दिन में अपने, दिस इज फॉर ऑल माय तिपरा मौथा वर्कर्स, अपना ग्रेटर तिपरा लैंड का जो हमारा मूवमेंट है, तिपरा हा के लिए है, जो तिपरा सा का जो मूवमेंट है, सब लोग को लगता है कि ये मूवमेंट एक पार्टी का मूवमेंट है। हाँ, तिपरा मौथा इसको आगे ले जा रहा है आपके प्यार से, आपका समर्थन से, लेकिन जब तिपरा मौथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने के लिए बात रेडी होगा तो मेरे दिल में आशा है कि ये नेगोशिएशन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ना हो। मैं चाहता हूं कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने तिपरा सा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन इन राइटिंग मांगे, तो उस समय उस डायलॉग में हमें सिविल सोसाइटी, अपने हौदास, अपने ओकरास, चांताइस, चौधरी का हमें समर्थन चाहिए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओस, उनका भी समर्थन चाहिए, क्योंकि मैं एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता हूं। मैं जानता नहीं हूं कि कितने दिन तक ये मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं अपने लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, अपना जमीन, अपना पॉलिटिकल राइट्स, अपना इकोनॉमिक राइट्स, अपना भविष्य। तो अगर मुझे लगा कि ये सिर्फ तिपरा मौथा ही अकेला करेगा और इसमें और कोई शामिल नहीं होगा तो ये गलत बात है, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले दिन में एनजीओस को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई हो, आईपीएफटी हो, तो जनजाति मोर्चा हो, MBBWS हो, मूवमेंट फॉर कॉकबोरोक हो, ज्वाइंट एक्शन कमेटी हो, इंजीनियर्स ग्रुप हो, TSF हो, जो भी हो, मैं अपने काउंसिल ऑफ तिपरासा होदास, तिपरा चीफ्स, सबको मैं उनसे बात करके, उनको शामिल करके, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक नेगोशिएशन करना चाहता हूं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करेगा तो इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैंने सोचा है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है, TNV अकॉर्ड साइन हुआ तो ATTF निकला, ATTF अकॉर्ड साइन हुआ तो NLFT निकला, उसके बाद IPFT ने कुछ अग्रीमेंट साइन किया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में, उसके बाद तिपरा मौथा निकला। आज तिपरा मौथा कुछ साइन करेगा, उसके बाद कोई और निकलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों को परमानेंट सोल्यूशन मिले, एक पार्टी का नहीं। अगर मैं सिर्फ अपने पार्टी की तरफ से देखूंगा तो मुझे शॉर्ट टर्म फायदा है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म तिपरासा को कुछ देना चाहता हूं तो मुझे सबको लेके चलना है। थानसा इसी को कहते हैं कि जब आप बड़े हो तो किसी को छोटा मत दिखाओ। तो इसी के लिए मैं सोच रहा हूं कि आने वाले दिन में आई विल इन्वाइट ऑल ग्रुप्स, ऑल एनजीओस, जो इंटरेस्टेड है हमारे तिपरासा का एक फाइनल सोल्यूशन के लिए। जब हम लोग दिल्ली जाकर बात करेंगे तो क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बात करेगा कि दोफा बात करेगा? और अगर दोफा को बात करना है तो हमें एक ऑल सब ग्रुप को इन्वाइट करके ये बात का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन फॉर आ बुकिंग बारा पीपल हमको डिस्कस करना चाहिए। ये मेरा थिंकिंग है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये पॉलिटिकली ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं तिपरासा, हमारे 14 लाख तिपरासा का परमानेंट सोल्यूशन के लिए बात कर रहा हूं। और इसमें अगर हमारा ट्रेडिशनल हेड्स भी आ जाए, होदा भी आ जाए, चौधरी भी आ जाए, कास्काऊ भी आ जाए, हमारे चांताई भी आ जाए, हम लोगों के ओकराज आ जाए, समाज आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम उनको भी छोड़कर अपने त्रिपुरा को बचा नहीं सकते। अगर त्रिपुरा को
अपने सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करना है तो सिर्फ पॉलिटिशियंस से बाहर भी हमको सोचना चाहिए। बहुत पॉलिटिशियंस लोग अब बोलेंगे कि बुबागरा क्या बोल रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पॉलिटिशियंस दफा से बड़ा नहीं होता है। तो जब भी हमें एक, और मुझे लगता है कि एक बार फाइनल सोल्यूशन हमको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा इलेक्शन के पहले बड़ा बड़ा बात करते हैं और इलेक्शन के बाद सब पोस्ट लेकर बैठ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमें सीरियसली ले, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हमें सीरियसली लेना है तो हमें एक होकर एक आवाज में बात करना पड़ेगा। ये मेरा 3 पॉइंट्स था। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, फॉर यू हेल्थ परमिटिंग, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर तिपरासा नेशन को आगे बढ़ना है देन द यूथ नीड टू बी विथ मी, द वुमेन नीड टू बी विथ मी, द मदर्स नीड टू बी विथ मी, एंड ऑफ कोर्स द इंटायर सोसाइटी नीड्स टू बी विथ मी। अगर आपको लगता है कि मेरा दिल सफा है, अगर आपको लगता है कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मैं सिस्टम को चेंज करके कुछ हटके काम करना चाह रहा हूं, तो आप मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ झंडा उठाकर किसी को गाली बककर पॉलिटिकल स्लोगन्स देने से हमारा समस्या का हल हो जाएगा, तो जो 70 साल से चल रहा है वो और चलेगा, और जब 2025-26 में डिलिमिटेशन होगा उसके बाद हमारे बारे कोई सोचने वाला भी नहीं। आज सीए के लिए मैंने कमिटमेंट दिया था, मैं फाइट कर रहा हूं। टीचर्स के लिए मैंने कमिटमेंट दिया था, मैंने फाइट कर रहा हूं। ग्रेटर त्रिपुरलैंड के लिए मैंने बात किया था, आज भी मैंने अपने ओरिजिनल पोजीशन से एक कदम भी मैं पीछे नहीं गया। लेकिन चाहता हूं कि हमारे पूरे त्रिपुरासा एक होकर ऑल पार्टी, ऑल एनजीओज, ऑल सोशल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बैठकर डिसाइड करें कि आने वाले दिन में हम क्या करेंगे। अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना पोजीशन दिखाना है तो एक आवाज में दिखाना चाहिए, या अलग अलग आवाज में एक ही बात बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब अग्री करते हैं। जी गणमुक्ति परिषद हो, आईपीएफटी हो, एमबीबीडब्ल्यूएस हो, तिपरा मोथा हो, कोई भी हो, अपने काउंसिल ऑफ तिपरासा होदास हो, कोई भी हो, टीएसएफ हो, हम लोग सब अग्री करते हैं कि आज त्रिपुरा में तिपरासा के संग नाइंसाफी हुआ है। 70 साल में पूरा नॉर्थ ईस्ट अग्री करता है कि तिपरासा के संग गलत हुआ है, और अगर आज हमें परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन इन राइटिंग चाहिए, तो हमें एक आवाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताना पड़ेगा कि आप हमें डिवाइड करके, अलग अलग करके हमारा सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक संग एक परिवार होकर हमसे बात कीजिए, मैं रेडी हूं, मैं सबसे मिलने के लिए तैयार हूं। आने वाले दिन में मैं ऑल पार्टी मीटिंग भी रखूंगा, ऑल एनजीओ मीट रखूंगा, सिविल सोसाइटी का मीट रखूंगा, एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ सिंगल वॉइस टू द सोल्यूशन, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द त्रिपुरासा पीपल। ये मेरा पोजिशन है। बेलाई बेलाई नो हम बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तिपरा मोथा आइक लोकथोंग, तिपरा सा दोफा आइक लोकथोंग, तिपरा आइक लोकथोंग।